माधुरी तिवारी, यूपी के रायबरेली में पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली में मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं पीजी कॉलेज से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कल होंगी। कल मतदान होंगे बेसवारा पीजी कॉलेज परिसर से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा, जिसमें 222 बूथ, 56 ग्राम पंचायतें, 107 मतदान केंद्र, 54 बसों के माध्यम से मतदान केंद्र सेंटर पर पहुंचाए जा रहे हैं। लोगों को लालगंज के बेसवारा पीजी कॉलेज परिसर से पार्टी रवाना हुई है। पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 का प्रथम चरण में रायबरेली जनपद को लिया गया है, जिसमें आज हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और ये सभी ब्लॉक स्तर पर पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है और वहीं पर मतदान के उपरांत उनका स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहीं पर प्राप्त किया जाएगा। पंचायत सामान्य यूपी के फर्रुखाबाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी है। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है इस बात से, खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध को गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जिले में दो हत्याओं से पूरे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस का इकबाल होता दिख रहा है खत्म। जिले में बेखौफ बदमाशों ने कुछ घंटों में दो हत्याएं कर दी। सूचना पर परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वृद्ध का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजार थाना कंपिल क्षेत्र के ग्राम देवरिया का मामला है। यूपी के मथुरा में मां पथवारी का प्राचीन मंदिर है, वहीं पर भक्तों की भीड़ लगती है और नवरात्र का आज दूसरा दिन है और इस दिन माना जाता है कि नव वर्ष का दूसरा दिन होता है। मां पथवारी देवी का आज के दिन नीम कापाल मिश्री का प्रसाद लगाया जाता है व बंगला सजाया जाता है, जिसका श्रद्धालु दर्शन का लाभ उठाते हैं। वृंदावन रोड पर स्थित मां पथवारी देवी का प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि भक्त को किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करने से पहले यहां हाजिरी लगाना जरूरी होता है। इसी मान्यता के चलते पथवारी देवी मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। दूर दूर से भक्तगण यहां दर्शन कर अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। कोरोना के चलते मंदिर प्रांगण में सन्नाटा पसरा पड़ा है, नहीं दिख रहा है भक्तों का सैलाब। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोरोना के चलते भक्तों की संख्या 5% से भी कम नजर आई। कृष्ण नगरी मथुरा के सभी छोटे बड़े मंदिरों को लेकर कोरोना गाइडलाइंस के चलते भक्तों की भीड़ कम नजर आई। सभी मंदिरों में सैनिटाइजर लगाया गया, व्यवस्था व दर्शनों के टाइम में भी बदलाव किया गया व कम तादाद में श्रद्धालुओं को गाइडलाइन जारी की गई व ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी रखी जा रही है और सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना के देखते हुए और मंदिर में जो पहले भीड़ उमड़ती थी, आज वो भीड़ नहीं है। कोरोना की डर की वजह से लोग बाग मंदिर में दर्शनों के लिए भी नहीं आए। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 2% पब्लिक आई है मान के चलिए, जो यहाँ पर एकदम से ये गली लवालब भरी रहती थी, बिल्कुल खाली गली रही दर्शन वालों को। जबकि यहाँ पे आज भगवती के यहाँ पे ये बंगला देख रहे हैं आप, ये बंगला हमारे यहाँ के हिंदुत्वता के हिसाब से वो बंगला है जो हमारे यहाँ नव वर्ष माना जाता है, संवत्सर यानी कि हमारा नया साल माना जाता है, उसके हिसाब से ही माँ का प्रसाद लगा हुआ है। मिश्री
और नीम का प्रसाद लगा हुआ है, नीम की कोपल का, ये माँ के यहाँ की विशेषता हुई आज। लेकिन फिर भी दर्शनदारों का आना बहुत कम रहा, कोरोना दर्शनार्थियों पर भारी पड़ा। पूर्व प्रधान प्रत्याशी के घर से शराब बरामद की यह खबर यूपी के रायबरेली की है, जहां पर पंचायत चुनाव की एक तरफ तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। मतदान के एक दिन पूर्व प्रधान प्रत्याशी के घर से 70 सीसी शराब की बरामद की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के साथ प्रधान प्रत्याशी को हिरासत में ले लिया है। मलेरिया थाना क्षेत्र के राही ग्राम सभा से प्रधान प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण मौर्य की घटना है। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां पर दबंगों ने दुकानदार के दुकान में घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा। दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम होती दिख रही है। दबंग ने मामूली विवाद में दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार को जमकर पीटा। दुकान के अंदर घुसकर पीटने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बेखौफ बदमाश दुकान के अंदर सरे बाजार में घुसकर युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। मौजूद लोगों ने दुकानदार युवक को दबंग से छुड़ाया। दबंग मारपीट कर मौके से फरार हो गए। कोतवाली कायमगंज के सरस्वती विद्या मंदिर के पास की घटना है। बिहार के नालंदा में एक खड़ी बाइक में आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के कमरुद्दीनगंज के बंदना सिनेमा हॉल के समीप कंपनी की खड़ी बाइक में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची, तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। वीडियो में देखिए कैसे धू धू कर खड़ी बाइक सड़क पर जल रही है। बिहार के नालंदा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर देवी सराय चौक पर उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें बिहार शरीफ नगर निगम के कई विकास मित्रों से उपस्थिति की गई और इस मौके पर सभी ने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने एवं समाज के दबे कुचले लोगों को उत्थान करने की शपथ दिलाई। जयंती के दौरान कोविड-19 का ख्याल भी रखा गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं और ये दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। बिहार के नालंदा में कोरोना को लेकर लोग बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा में एक और पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और कोरोना के कारण कई लोग काल के गाल में समा रहे हैं। बावजूद इसके इन खतरों से पूरी तरह अनजान होकर राजगीर के जदयू विधायक कौशल किशोर अपना चेहरा चमकाते नजर आए। कि गिरिया प्रखंड अंतर्गत रैतल में विधायक कौशल किशोर द्वारा छठ सीढ़ी एवं जल जीवन हरियाली पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा और ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा, जिसके कारण कोरोना के खतरे का बढ़ने का सामान
वहां पर था। मालूम हो कि बिहार व केंद्र सरकार के द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की जा रही है। जगह जगह इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, लेकिन जदयू विधायक इन सबसे बेपरवाह नजर आए, जिनके कंधे पर सरकारी आदेशों व नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी है, वे ही नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। बिहार के सहरसा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता सामाजिक न्याय के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर वैश्य समाज सहरसा के द्वारा मीर टोला स्थित वैश्य समाज के कार्यालय में समारोह पूर्वक मनाकर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद शाह ने कहा कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं एक विचार थे। वे हर पीड़ित वंचित व शोषित की प्रखर और बुलंद आवाज थे। उनके विचार और चिरकाल तक अनुकरणीय रहेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर सम्मान निर्माता का हम लोग ने जयंती 130वां जयंती मना रहे हैं। इन्होंने भारत को सबसे पहले संविधान दिया था, जो विश्व में सबसे अच्छा संविधान है। सहरसा के तत्वदान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वही समाज कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 130वीं जयंती समारोह हम लोग समारोह पूर्वक मना रहे हैं। कोरोना का काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, करते हुए हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने हम लोग को संविधान देने का काम किया। संविधान हमारा देश का मूल ग्रंथ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर सम्मान निर्माता का हम लोग ने जयंती 130वां जयंती मना रहे हैं। बिहार के नालंदा में प्रशासन ने अतिक्रमण कर रही दुकानों को तोड़ा, जिसकी वजह से दुकानदार काफी आक्रोशित दिखे। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन ने दुकानों को तोड़ा। सूचना मिलने पर आक्रोशित गरीब दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। रोजी रोटी छीन जाने से बेघर आक्रोशित लोगों ने चंडी बाजार को जाम कर आगजनी करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अंचलाधिकारी द्वारा दुकानदारों को पूर्व में नोटिस भेजा जा चुका है और इसके लिए आज अनाउंसमेंट कर सारे लोगों की दुकान तोड़ दी गई। कुछ गरीबों का कहना है कि हम लोग कई दशकों से इस जगह पर रहकर परिवार की परवरिश कर रहे थे, मगर वैकल्पिक व्यवस्था कराए अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना काल में पलायन कर वापस लौट अपने घर आए थे और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनकी भी रोजी रोटी छिन गई। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध करने वाले महिलाओं एवं बच्चों की पिटाई करने का लोगों ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया है। मामला कुछ नहीं है, हम लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। ये लोग जैसे कि तोड़ करके ध्वस्त कर दिया, जैसे कि कौन लोग तोड़े थे, सीओ वीडियो जैसे कि क्या हमने उसका जिसकी घर द्वारा अतिक्रमण कर दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, क्या जैसे कि आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया? नहीं तो हम लोग का रोजी रोजगार दो, कोरोना के मारे हुए बाहर से आकर के यहाँ किसी तरह के धंधा कर करके खा कमा रहे थे, तब हम चोर डकैत हो जाएं? गरीब आदमी लोग खामा खा रहा है, मेरा परिवार का भी है, यहाँ पर बहुत आदमी है जो कमा खा रहा है, रोजगार का सबको व्यवस्था है, सरकार अपना मनमानी करके चला गया, जिससे कि कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं। अगर सरकार को इतना भलाई चाहिए कि हम जो भी है सीओ है जो भी है, अगर उसको इतना भलाई चाहिए था तो पहले हम लोग से पूछता, हम लोग को हर चीज का व्यवस्था करके देता, तब जाके तोड़ता। मामला कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देख रही है स्टार न्यूज़। नमस्कार।